भट्टू मंडी में व्यापारियों की हड़ताल की देखें पूरी रिपोर्ट। ग्यारह भट्टुकला में भी हड़ताल बताई जा रही है, तो आप व्यापार मंडल भट्टुकला के प्रधान संजय जी, तो बताइए आप भट्टुकला में क्या स्थिति है और आपने क्या इसको लेकर प्रदर्शन शुरू किया है, क्या आपने योजनाएं बनाई है? ये हड़ताल है ना, जो पूरे हरियाणा स्टेट लेवल की हड़ताल है, जो ये खट्टर सरकार व्यापार विरोधी, जो व्यापारियों को उजाड़ने का काम कर रही है, जो हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती जब तक ये हड़ताल जारी रखेंगे, सरकार को झुका के ही हम हड़ताल खोलेंगे। जो हमारी मांगे हैं, जो 2.5% हमारी जो आड़त है और MSP पे जो खरीद कर रही है गवर्नमेंट, जो सरकार माल खरीदती है उस पे हमारी जो आड़त, जो पैसे हैं वो हमारे खाते में दिए जाएं मान लो, और MSP पे जो भी माल खरीदेगी उस पे 2.5% आड़त दी जाए, पूरी मजदूरी दी जाए और आड़ती के थ्रू ही माल लिया जाए, और जो ई ट्रेडिंग जो लागू कर रही है उसको ख़त्म किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। सरकार व्यापारियों के साथ अन्याय कर रही है, कई सालों से झूठी मीठी गोली देने का काम कर रही है मान लो। अब सारे व्यापारी जागरूक हो गए हैं और ये हड़ताल जब तक हमारी बातें नहीं मानेंगे सरकार, हम जारी रखें। तो भट्टुकला में आज कोई किसी भी जिन्स की बोली नहीं होगी? भट्टुकला में पूर्ण रूप से हड़ताल है जी, अगर जरूरत पड़ी तो हम धरना प्रदर्शन भी करें। आड़ती वर्ग को किस तरह की समस्याएं सरकारी जो अब तरीका अपनाया गया उसमें आ रही है? ये हमारे को अभी पीछे गेहूँ के सीजन में 2.5% आड़ देने का वादा किया था, जो हमें 46 रुपये दी गई है, और जो MSP पे सीधा जो साइलों में कह रहे हैं भी गेहूँ खरीदेंगे तो इससे तो व्यापार बिल्कुल चौपट हो जाएगा जी, आड़ती और मजदूर सब भूख मरने के गागार पे पहुंच जाएंगे। तो ये खट्टर सरकार का हम पुरजोर विरोध करते हैं। ई नेम पोर्टल जो बनाया गया सरकार द्वारा, उसको लेकर आप एतराज कर रहे हैं, उसको उसमें क्या दिक्कतें आ रही है? उसमें दिक्कत ये है कि जो किसान समृद्धि जो इलाके में है, राजस्थान में, पंजाब में, जो हमारे नज़दीक हैं, जो हमारे आड़ती हैं, वो हमारे माल नहीं बेच सकते, लेकिन किसान की जो फसल है वो किसान पूरे इंडिया में कहीं बेच सकता है जी। तो इसमें हमारे दिक्कत आ रही है मान लो, हमारे आड़तियों की दिक्कत आ रही है। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे भविष्य में क्या प्लानिंग रहेगी आड़ती एसोसिएशन की? अभी तो यही है कि ऊपर से आदेश है स्टेट के भी, पहले तो हम अपने विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन देंगे, अगर फिर भी बात नहीं मनती है तो CM आवास का घेराव करेंगे। संजय सिंगला जी, व्यापार मंडल भट्टू के प्रधान। इस समय अनेक ब्लॉक क्षेत्र पर या अनाज मंडियों में हड़ताल कर रहे हैं व्यापारी वर्ग, तो भट्टू मंडी के क्या हालात है जी? भट्टू मंडी में कोई किसी तरह की हड़ताल नहीं है, इनका मेन जो इशू था जो ENM वाला, वो सरकार ने मान ली है इनकी मांग, इसके अलावा यहाँ पे कोई इशू है नहीं। नरमे की बोली हो चुकी है और मूंगफली की चल रही है। आज बोली हुई है? बिल्कुल बोली हुई है, एक डेरी आई थी 2 क्विंटल की, उसकी बोली हो चुकी है और अभी मूंगफली की चल रही है। यहाँ पे किसी तरह हड़ताल का कोई असर नहीं है। क्या बोली लगी थी, किस रेट की? बोली 10,000 कुछ की लगी। और भी कुछ जिनसे आई है यहाँ पे? अब मूंगफली आई हुई है और ग्वार है, उसकी भी बोली आज करवाएंगे। मतलब किसी भी तरह की कोई हड़ताल का यहाँ पे असर नहीं है। जैसे व्यापारी वर्ग हड़ताल कर रहा हूँ, किस बात को लेकर आप अभी जैसे ENM पोर्टल के नाम पर भी कह रहे हैं पेमेंट उसके साथ? हाँ, वो सरकार ने मान ली है कि पेमेंट इस बार ENM पोर्टल के थ्रू नहीं होगी। इसके अलावा इनकी दामी की प्रॉब्लम है जो ये कह रहे हैं 2.5% वाली, वो वहाँ पे प्रॉब्लम है जहाँ पे सरकारी खरीद होनी है, तो यहाँ पे किसी तरह की सरकारी खरीद अभी है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हड़ताल का कोई अभी कोई असर नहीं है।